नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। नमस्कार, मैं बड़े गंभीर सवाल को लेकर के मैं आपके पास खड़ा हूँ। मुझे परेशान कर रहा है कुछ सवाल, कुछ बातें, और वो सवाल है इस बिहार के 14.5 करोड़ लोगों की जिंदगी के बारे में। 3 दिनों से आंधी तूफान के बीच में मैं गुजर रहा हूँ, एक तरफ सहरसा में, मधेपुरा में, भागलपुर में और फिर बिहार में। इस आंधी तूफान ने न जाने कितने किसानों के केले, 200-200 एकड़, 100-100 एकड़, 20-20 एकड़ केले को बर्बाद कर दिया। आम की फसल बर्बाद हो गई और लगभग केला के फसल बर्बाद हो गए। हजारों घरों में आग लगने से सारी जिंदगी तबाह हो गई। एक तरफ यह सवाल है मेरे लिए। दूसरा सवाल है मेरे लिए कि मैं जब बिहार को देख रहा हूँ लगातार, यहाँ के सबसे बड़ी मजबूरी, कोई जिंदगी को सस्टेन कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ाएगा, उसकी जिंदगी चलेगी कि नहीं, बढ़ेगी कि नहीं, एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे कि नहीं, एक अच्छे परिवार की देखभाल हम कर पाएंगे कि नहीं, हमारे बच्चे और मेरे परिवार की कोई तरक्की होगी कि नहीं, हम सक्सेस करेंगे कि नहीं, और हमारा कोई सुनने वाला देखने वाला कोई है या नहीं। इस बीच में कई ऐसे मर्डर में हम गए जो हमको बहुत परेशान किया। परसों रात हम दिल्ली आ रहे थे, कुरसेला से हमें कटिहार लौटना पड़ा। एक इकलौते बच्चे को जब किसी ने बहुत ही बेरहमी तरीके से बिना किसी चोट के डुबो के मार दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बच्चे के बारे में कोई चोट नहीं आई, नतीजा यह होने लगा कि क्या ये आत्महत्या है, आत्महत्या नहीं कर ली, वो मां मरने के लिए तैयार है। वो कटिहार का मामला है। कल सुबह कटिहार में हम एक मुखिया जी के यहाँ गए जिसके एक बेटे को, 22 साल का बेटा, वो आर्मी में सूबेदार था, मुखिया जी के हस्बैंड, जब वो लौट के आए तो लोगों ने उनकी पत्नी को मुखिया बना दिया। जो पहले मुखिया थे उनकी गहरी साजिश के तहत पहले बेटे को मार दिया गया, फिर उसके भतीजे को परसों किडनैप कर लिया। उसके पहले फलका के एक गांव में गए जहां 90 परिवार पूरे जल के राख हो गए, उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। सरकार ने एक औपचारिकता निभा दी जबकि हर घर बच सकता है, लेकिन मेरे पास मेरा सवाल कहाँ है। मैं एक छोटी बात आपसे आज कर रहा हूँ, किसी भी ब्लॉक में उपयुक्त दमकल नहीं है जहाँ से किसी के घर को बचाया जा सके। शहर में दमकल नहीं है जहाँ किसी को बचाया जा सके। शहर में दमकल भी है तो पानी 10 मिनट में खत्म हो जाता है, और जब 10 मिनट में पानी खत्म हो जाता है और जब लौट के जाया जाता है पानी लाने, तब तक पूरी की पूरी गाँव और पंचायत जल के राख हो जाती है। हमारे बिहार में जब एक जिंदगी बचाने के लिए दमकल नहीं हो, एक आम आदमी के एक्सीडेंटल के बाद उसके जिंदगी बचाने के लिए एक एम्बुलेंस ना हो, कोई सरकारी इमरजेंसी सुविधा नहीं हो, आम आदमी को एयर एम्बुलेंस से कहीं ले जाने के लिए बिहार में कोई व्यवस्था नहीं हो, अस्पताल पहुंचाने के लिए किसी के पास कोई सुविधा नहीं हो, सोचिएगा वो हमें कितना परेशान करता होगा। फिर लगातार मैं घटना में घटना को घटना, घटना में घटना, आज मैं अभी 4 दिन पहले हम चंदन शर्मा की मौत में गए थे जहानाबाद में, जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। एक अच्छे लड़कों को किसी 7 गोली मार के उसके परिवार को मार दिया, जिसका भाई दिल्ली के एयरपोर्ट पर काम करता है। आज फिर मैं जा रहा हूं, एक समाज सेवी शाहिद की हत्या 7 गोली मार के कर दी गई। वहां से मैं जाऊंगा नालंदा, जो नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र, वहां पर पुलिस ने एक लौते बेटे को गोली मार के खत्म कर दी सिर्फ हेलमेट के कारण। वहां के बाद फिर रात लौटूंगा, कल जाऊंगा बढ़ाड़ा जहां मुखिया की हत्या कर दी गई। एक सवाल यह है, एक सवाल नेचर का है, एक सवाल खुद का है, और इस बीच में लगातार बिहार सरकार की पूरी टीम और विपक्ष, मैं इन दोनों की भूमिका के बारे में आपसे चर्चा 2-3 ज्यादा नहीं, चूंकि मुझे जाना है, मैं आपसे करना चाहूंगा। सरकार या विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है एक प्रजा के हर तरह के उसके लिए जस्टिस, उसके लिए मदद, उसके साथ न्याय, और आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई सरकार अलाउद्दीन का चिराग है और दुनिया में तुरंत बदल दे, लेकिन हमारी सरकार 20 सालों से कभी एनडीए कभी यूपीए, लंबे समय तक एनडीए के बाद हम जब देखते हैं लगातार युवाओं की छटपटाहट, उसकी जिंदगी में कैसे नौकरी मिले, कैसे उनको सफलता मिले, उनकी मदद कैसे हो,
जब मैं ये छटपटाहट देखता हूँ नौकरी को लेकर के, उसके रोजगार को लेकर, आज सुबह सुबह कल से मैं देख रहा हूँ कि एक रोजगार मेला लग रहा है दिल्ली में, रोजगार मेला, नौकरी नहीं रोजगार मेला। इस देश के सबसे बहुचर्चित बहुरूपिया, बहुरूप, अनेक रूप,